डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर डॉक्टर ये जिंदा है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें चेक करने दीजिए, आप प्लीज बाहर जाइए। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप प्लीज बताइए आप इसे बचा पाएंगे ना। इसका जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइफ में बहुत कुछ करना है। इसकी एड रिलीज हुई है, शहर के हर बैनर हर 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 होर्डिंग में इसका चेहरा है, आप इसे पहचान नहीं रहे क्या? डॉक्टर प्लीज इसे बचा लीजिए ना प्लीज। देखिए आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता है किसी की जान की कीमत क्या होती है। छोटन इनकी हालत कैसे हुई? डॉक्टर होली थी, सबने ठंडाई पी थी, शायद इसने थोड़ी ज्यादा पी ली, काफी देर तक हमें दिखाई नहीं दी, इनफैक्ट काफी घंटों बाद मिली हमें, टेरेस पर लेटी हुई थी, जब इसे हमने उठाने की कोशिश की तो ये। इसका मतलब काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, इनकी पल्स तो है, इसका मतलब ये अभी जिंदा है। अगर ओवरडोज हो चुका है तो पता नहीं हम इन्हें बचा पाएंगे भी या नहीं। एनीवे वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, झनक मर नहीं सकती, मैं झनक मर नहीं सकती, झनक मर नहीं सकती, चलो झनक मर नहीं सकती, चलो आप इन्हें बाहर लेके जाइए। हाँ मैं इसे बाहर लेके जाते हैं। नहीं छोड़ो डॉक्टर, आप छोड़ो, मुझे यहीं पे रहने दो। छोड़ो अभी, छोड़ो मुझे, होगा पास आ जाओ, उनको काम करने दो। छोड़ो मुझे, जाने के पास रहने दो, जाने के पास रहने। मुझे नर्स, वी नीड टू पंप हर, देखते हैं बॉडी रिएक्ट करती है नहीं। यस सर। मेरी बात सुन, तू डॉक्टर्स को अपना काम करने दे प्लीज। अगर मैं जनक को फिर कभी नहीं देख पाया तो मुझे देखना है उसे, मुझे अंदर जाना है। कुछ नहीं होगा उसे, तू खुद नहीं जानता कि तू जनक से कितना प्यार करता है। तू अर्शी से शादी करके कैसे खुश रहेगा? नहीं हे भगवान, इतनी बड़ी अनहोनी मत होने देना। इतनी कम उम्र में उस बेचारी बच्ची को, नहीं उसे बचा लो भगवान। अरे ये क्या झमेला है, पूरी रात हम सोए नहीं, सुबह होने वाली है, ये लोग कुछ कंफर्म क्यों नहीं कर रहे? वो लोग चाहे तो कुछ ऐसी न्यूज डिक्लेयर कर सकते हैं जिससे ये पूरा झमेला ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली काकी माँ, यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं ये लोग। देखना बाद में पता चलेगा, मैडम को होश भी आ गया और मैडम खड़ी भी हो गई। मुझे नहीं लगता कि आज उस लड़की को होश आने वाला है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। काको भी जस्ट नर्स आई थी, उसने बताया कि झनक की हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। गॉड, अपने बेटे की हालत तो देखिए आप। सृष्टि और अर्शी किसी भी वक्त आते ही होंगे, अगर उन्होंने अनी की ये हालत देख ली ना तो उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि अनी उस लड़की के पीछे पूरी तरह से दीवाना हो गया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।